आइए आज हम देखते हैं कि ये आर आर स्टूडियो को बिल्कुल 101 यानी कि सबसे बेसिक लेवल से कैसे सीखा जा सकता है। मैं इसमें आपको पांच जो है कमांड्स बताने जा रहा हूं जो आपकी 80% ऑफ द टाइम जो है डेटा के इश्यूज के साथ डील करती हैं। तो उससे पहले 1-2 मिनट सिर्फ के आर और आर स्टूडियो। तो ये बेसिकली आर और आर स्टूडियो अगर आप देखें तो आर जो है बेसिकली लैंग्वेज है और आर स्टूडियो जो है उसके अंदर एक जो है वो आपके पास जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो हम आर स्टूडियो में काम करते हैं, यूं समझे कि आर स्टूडियो डैशबोर्ड है और आर गाड़ी का इंजन है। तो हम बेसिकली लिंक्ड हैं कि हमें गाड़ी चलाना आती है या नहीं आती। तो इसके 4 पेन्स आर स्टूडियो में ओपन होंगे। यहाँ जो कुछ आप टाइप करेंगे वो सेव हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट का होंगे। यहाँ पे जो कुछ आप टाइप करेंगे टेस्ट कर सकते हैं वो आपके सेव नहीं होंगे। जब आप आर स्टूडियो क्लोज कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हिस्ट्री आती है और यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह आते हैं। अब मैंने इस चीज को जब मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूँ तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। और आर चूंकि एक लैंग्वेज है तो इसलिए ये बहुत सारे ऐसे काम करती है यानी कि ये इट कैन डू एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ये बेसिकली 4 पेन्स हैं जो अभी मैंने आपके पास आपके साथ बात की। इसको कहते हैं सोर्स पेन, इसको कहते हैं कंसोल, ये है ग्लोबल एनवायरनमेंट और ये आपकी फाइल्स और ये सारा है। तो इस वक्त हम इसको ज्यादा नहीं करते, ये आपको इस तरह का एनवायरनमेंट नजर आएगा। और आर कोडिंग में जब हमने चीज सीखनी है तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने ये नहीं सीखना कि आर क्या है, यू लर्न हाउ टू डू थिंग्स इन आर। तो उसके लिए आज हम पहली 5 चीजें करने जा रहे हैं और वो मेरे साथ आप देखिए 5 चीजें क्या चीजें हैं। वो है जब आपने आर आर स्टूडियो डाउनलोड कर लिया, ये मैं आपको इसका भी बता दूंगा कि ये आर आर स्टूडियो डाउनलोड इस यूट्यूब में एक नीचे लिंक होगा जिसमें ये सारे का सारा वर्क प्रोसेस आपको कमेंट्री के साथ मिल जाएगा। तो एक हम देखने जा रहे हैं रेंज क्या होता है, दूसरा हम देखने जा रहे हैं सिलेक्ट क्या होता है, तीसरा म्यूटेट क्या है, चौथा फिल्टर है, पांचवा समराइज है। अब सबसे पहले आपको एक रिक्वायर्ड पैकेज चाहिए होता है। आर में एक पैकेज होता है, इस पे भी छोटा सा क्लिप मेरी उसी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे zahidasgar.com तो zahidasgar.com/AER/learn-R मैं आपको उसमें नीचे आपको दे भी दूंगा। अब अगर इसको मैंने कमेंट कर दिया तो ये कमांड नहीं रहेगी बल्कि ये बेसिकली कमेंट बन जाएगा, ये आप मुझे एरर नहीं देगा। तो पैकेज क्या चीज है, पैकेज वैसे ही है जैसे मेरे पास ऊपर एक ट्यूबलाइट ऑन है या लाइट बल्ब ऑन है। तो ये एक लाइट बल्ब है, पहले आपने उसको फिक्स करना है। तो पहले आपने क्या करना होता है कि फर्ज करें आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको टाइडी वर्स चाहिए, तो आप पहले ये जो काम करने जा रहे हैं ये आप फिक्स करने जा रहे हैं टाइडी वर्स, ये आप बल्ब फिक्स कर रहे हैं टाइडी वर्स। तो आप ये बल्ब फिक्स हो गया, जब ये इंस्टॉल हो गया तो एक दफा फिक्स हो गया, आइंदा इसकी फिक्सेशन की जरूरत नहीं है। और लाइब्रेरी टाइडी वर्स क्या है, तो वो जो बटन आपने स्विच ऑन किया है रिकॉल कर रहे हैं, तो जब तक वो बटन रिकॉल रहेगा आपकी लाइट ऑन रहेगी अंटिल एंड अनलेस जो लोड शेडिंग होती है जिसका मौसम अभी आया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं वेक्टर की बात और ये सारी चीजें हम करते रहेंगे। आज हम फोकस कर रहे हैं इस पे और एक बड़े स्मॉल डेटा सेट पे, फिर इसी चीज को बिग डेटा के साथ कैसे डील करते हैं उस पे भी बातें होंगी। तो एक चीज होती है टेबल या डेटा फ्रेम। तो आर में जब आप टेबल या डेटा फ्रेम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स है। तो आप देखिए नेम एक करेक्टर वेरिएबल है, स्कूल एक करेक्टर वेरिएबल है, टीचर एक करेक्टर वेरिएबल है, सॉरी सेक्स जो है ये करेक्टर वेरिएबल है, और मैथ स्कोर जो है नमेरिक है, रीडिंग स्कोर जो है ये नमेरिक है। तो ये आपको डेटा का पता होना चाहिए कि आपके पास, अब ये चूंकि जो है वो 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, एक्सेल से भी रीड कर सकते हैं, सीएसवी से भी रीड कर सकते हैं। इस पे जो है वो हम आर 101 में जो नेक्स्ट वीडियोस चलती रहेंगी उस पे देखते रहेंगे। तो
तो ये आपके पास एक डेटा आ गया स्कोर्स, इसको हमने नाम क्या दे दिया स्कोर्स। अब आप देखिए यहाँ कमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम स्कोर्स को लुक करते हैं, स्कोर्स नजर कैसे आता है। आपके पास जो रिजल्ट शो होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, मैंने इसको लेफ्ट पैन किया हुआ है। तो ये आपके पास जो है कुड नॉट फाइंड फंक्शन टेबल, क्योंकि ये लाइब्रेरी टाइडी वर्स नहीं रन हुआ था। अब जब मैं इसको करूंगा तो अब मुझे वो एरर नहीं दे रहा, तो ये स्कोर्स जो है वो मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, ये वार्निंग मैसेजेस देगा, आप इनको इग्नोर कर दीजिए, ये फिर किसी और टाइम पे बात करेंगे। अब इवन देन आपको कोई इशू नहीं होगा। वार्निंग जब तक है, तो वार्निंग का मतलब है येलो साइन है, निकल जाओ, गाड़ी चला रहे हो निकल जाओ, मोटरसाइकिल पे निकल जाओ। स्कोर्स, तो अब ये देखिए ये आपके पास स्कोर्स आ गए, ये स्कोर्स आ गए। अब देखिए कि हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ पहली तीन ऑब्जर्वेशन आए, तो एक हो सकता था हम इसको आर बेस कमांड होती है, तो बेस कमांड में क्या था वन, और यहां पे तो ये पहली सी तीन रोज दे देगा ये वाली। अच्छा, हमने आर बेस नहीं सीखनी, हमने टाइडी वर्स सीखना है। टाइडी वर्स क्या है? टाइडी वर्स ये है कि हमने यहां पे लिखा स्कोर्स देन, अब ये ह्यूमन लैंग्वेज है, इंग्लिश सेंटेंस की तरह पढ़ेंगे, देन इसको हम कहते हैं पाइप ऑपरेटर, ये कनेक्टर है, ये ऐसे कनेक्ट कर रहा है उसको। देन क्या करो, स्लाइस कर दो मुझे पूरे 9 में से सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस, तो हम इसके साथ रहेंगे, बेस आर के साथ नहीं रहेंगे। तो ये पहली 3 ऑब्जर्वेशंस उसने कर दी। अब इसको मैंने नाम कोई नहीं दिया, तो आपका स्कोर्स अगर मैं दोबारा से टाइप करूं, अगर मैं स्कोर्स दोबारा से लिखूं, तो वो वही 9 ऑब्जर्वेशंस रहेंगी। जब तक मैं इस डेटा को नया नाम नहीं असाइन करता, तो ये डेटा आपके पास इंटैक्ट रहेगा, आर जो है रिप्रोड्यूसेबल है, तो ये इस पे हम बात करते रहेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको आप इक्वल भी डाल सकते थे, आप इक्वल डाल दें, लेकिन आर में एक कन्वेंशन है कि हम इसको लेस देन डैश साइन लगा देते हैं। तो स्कोर्स, और अब मैंने पाइप ऑपरेटर, कुछ लोग ये वाला पाइप ऑपरेटर यूज करते हैं, कुछ लोग ये वाला करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो एक आपके पास पाइप ऑपरेटर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, ये पाइप ऑपरेटर खुद से ही लग जाएगा। मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं ये, तो मुझे ये टाइप नहीं करना। तो अब एक ये है कि हमने यहां पे क्या किया, अब इस डेटा को हमने असाइन कर दिया क्या, स्कोर्स और स्लाइस 1 2 3, तो ये वही। अब ये आपके पास रिजल्ट यहां पे प्रिंट नहीं होगा, यहां सिर्फ कमांड आएगी, क्यों, क्योंकि अब आपने इसको एक असाइनमेंट कर दे दिया है। अब अगर आप स्कोर स्मॉल प्रिंट करवाएंगे, लिखेंगे, तो वो वाली चीज आ जाएगी जो यहां पे आई थी। तो ये जो डेटा था, इसको हमने असाइन नहीं किया था कोई नाम, यानी कि इसको असाइन नहीं किया कोई नया डेटा, तो ये आप अपने रिजल्ट्स आपके प्रिंट आउट होते रहेंगे, जरूरत है तो आप असाइन कर दें, नहीं जरूरत तो ना असाइन करें, आपका पर्पज उसी तरह से। तो यहां पे आप स्कोर स्मॉल हो गया। अब हम ये देखते हैं तीन चीज, मैंने जैसे कहा हमने 5 वर्ब्स देखने हैं। पहला है अरेंज, अरेंज में क्या होता है, डेटा को हम सॉर्ट कर लेते हैं, डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं, डेटा को छोटा या बड़े ऑर्डर में रैंकिंग कर लेते हैं। तो यहां पे हमें ये कहा जा रहा है कि इस डेटा को सॉर्ट करें फ्रॉम हाई टू लो विद रिस्पेक्ट टू मैथ स्कोर, कि जो मैथ स्कोर था उसके लिहाज से इसको हाई से लो की तरफ सॉर्ट कर दें। पहले मैं आपको लो से हाई की तरफ करके देता हूं, ये हैश हटाएंगे तो वो कमांड बन जाएगी। तो ये देखिए स्कोर्स और ये देखिए पाइप ऑपरेटर। तो स्कोर्स जो डेटा था, वो जो 9 ऑब्जर्वेशंस थी, अब उस पे मैं एक ऑपरेटर लगा रहा हूं, और ये मैंने अरेंज जो ही लिखा तो ये उसने मुझे दे दिया, और मैंने यहां पे इनसाइड लिख देना है मैथ स्कोर। अगर आप रेंज लिखेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, उसने मैथ्स के स्कोर को 2 3 4 5, तो उसने ये सॉर्ट कर दिया। हमें वो कह रहा था हाई टू लो करना है, तो बड़ा सिंपल है कि आप वही अगेन आप ये करें कि जी स्कोर्स प्लस अरेंज, अब आप इसको डिसेंडिंग में कर लें, वो असेंडिंग में था, मैथ खुद ही वो वेरिएबल नेम देगा।
तो ये मेरे पास डिसेंडिंग में हो गया। एक और वे भी हो सकता था कि हम इसको यहां पे माइनस का ऑपरेटर लगा दें तो भी रिजल्ट मेरा वही रहेगा। अब देखिए इस डेटा को अभी हमने कुछ भी नहीं किया, जो ओरिजिनल डेटा अगर स्कोर्स में टाइप करो तो वो वही एग्जैक्टली वही रहेगा, वो ये वाला नहीं होगा। अच्छा जी, अब बात यह है कि किन ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। हम कहते हैं बॉबी और अलीना ने सबसे ज्यादा स्कोर किया मैथ्स में। अच्छा, अब आगे वो सवाल पूछता है आपके पास कि जी पहली लाइन जो है वो आपकी जो है ना नेम्स जो है अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएं, तो ये बॉबी है, अलीना है, मनीर है। तो हमने क्या कहा, वही वही चीज आ गई, अरेंज का अरेंज फंक्शन हम पहले तौर पे पढ़ रहे हैं, तो स्कोर्स अरेंज नेम, तो ये आपके पास नेम अरेंज होके, तो ये देखिए अलीना, बॉबी, जमीला, मारिया, मनीर, परवेज, रईसा, रफीक, साइमा, तो ये सॉर्ट होके आपके पास आ गए अल्फाबेटिकली। अगला सवाल है कि पहले फीमेल टीचर्स लिस्ट हो और देन मेल टीचर्स लिस्ट हो, तो बेसिकली उसमें क्या करेंगे। अगेन वही बात है कि आप देखिए कितना आसान है, स्कोर्स और अरेंज तो पहले फीमेल टीचर लिस्ट हो गई है, आपने देखने रिजल्ट यहां पे होंगे, आपके रिजल्ट जो है वो यहां पे यहां नीचे आ रहे होंगे, तो इसको आप काइंडली देख लीजिएगा। अब अगले में तो ये बेसिकली आ गया। अब अगले में वो क्या कह रहे हैं कि जी कौन सी फीमेल्स हैं जिनके 4 या 5 नंबर आए हैं, 4 या 5 नंबर आए हैं। ओके, अच्छा ये सिंपल, वो ऊपर फीमेल टीचर्स का एनालिसिस कर रहा है कि फीमेल टीचर्स के एनालिसिस में क्या है कि मैथ स्कोर में 3, 4 या 5 आए हैं, जबकि मेल टीचर्स के 4, 2, 3, 3 आए हैं, तो इसलिए वो ये बात कर रहा है। अब इसी तरह से रेंज में एक और चीज है। अच्छा, रेंज में एक और चीज है कि आप चाहते हैं कि जी वो रेंज हो पहले स्कूल के लिहाज से कि वो रूरल है अर्बन है, तो रूरल पहले आएगा आर, तो बाद में अर्बन आएगा, देन उनके लिहाज से टीचर्स जो है उनके नेम सॉर्ट हो, देन सेक्स पहले फीमेल मेल उस लिहाज से हो, देन मैथ स्कोर हो, तो सबसे पहले स्कूल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल की बजाय हमने वही किया है, स्कोर्स देन रेंज, और ये वो वेरिएबल्स के नाम लिख दिए कॉमा 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 के साथ। तो ये देखिए, तो ये आपके पास सबसे पहले आपके पास जो है वो स्कूल रूरल 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 आ गया, और फिर अर्बन अर्बन आ गया, और फिर उस लिहाज से टीचर्स फ्री या जमील उनके अल्फाबेटिकली हुए, फिर सेक्स अल्फाबेटिकली हुआ, फिर रीडिंग मैथ स्कोर उस लिहाज से हुआ है जो पहले वेरिएबल्स चल रहे थे। अब एक चीज हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, और वो कौन सी है, अरेंज। अरेंज क्या करती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर देती है। अगर डिसेंडिंग करना हो तो इनसाइड ब्रैकेट डिसेंडिंग लिख देंगे। तो ये आप देखिए कितने सारे फंक्शंस को कवर करती है। अगली जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेक्ट। वो क्या चीज है, सिलेक्ट। तो सिलेक्ट में क्या होता है कि अब आपके पास यहां बहुत सारे कॉलम्स होंगे, यहाँ पे तो बहुत छोटा सा डेटा है एक, ये तो हमारा एक एक्सरसाइज के तौर पे डेटा है, यूजली ये डेटा बाज़ूकात 5,000 वेरिएबल्स होते हैं, या हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर वाले वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडरस्कोर, तो ये अंडरस्कोर वाले वेरिएबल्स चाहिए। तो ऐसे केस में आपको कौन सा कमांड चलेगी, सिलेक्ट ने कॉलम्स को रिटेन करना है, प्लीज एक सिलेक्ट होगा एक फिल्टर होगा। सिलेक्ट ने क्या करना है कि अगर 6 कॉलम है तो हमें उसमें से 3 कॉलम चाहिए, तो सिलेक्ट का कमांड होगी, लेकिन अगर हमें सिर्फ रूरल चाहिए यानी कि रोज में सिलेक्शन हो रही है तो देन हम फिल्टर की कमांड लगाएंगे। तो ये आपके पास स्कोर्स आ गया, अच्छा सिलेक्ट आ गया। तो अब आप देखें वही आपने क्या किया है, स्कोर्स सिलेक्ट, कौन कौन से वेरिएबल, नेम मैथ स्कोर रीडिंग स्कोर, सी व्हाट हैपेंस। तो देखिए 3 वेरिएबल सिर्फ सिलेक्ट हुए, एक नेम हुआ है, एक मैथ स्कोर हुआ है, एक रीडिंग स्कोर हुआ है। तो सिलेक्ट क्या करता है, कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा, फिल्टर क्या करता है, जो रोज पे वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो उसको करता है, अभी फिल्टर पे बात आएगी। अच्छा, देन आपके पास जो है वो आप चाहते हैं कि बाकी सारे वेरिएबल सिलेक्ट हो जाए, सिर्फ एक सेक्स नहीं हो,
तो आप बजाय इसके कि आप नेम भी लिखें, स्कूल भी लिखें, टीचर भी लिखें, मैथ स्कोर भी लिखें, रीडिंग स्कोर भी लिखें, आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं, अच्छा जी ठीक है, स्कोर्स सेलेक्ट, आप इसी लाइन में भी लिख सकते थे सेलेक्ट माइनस कर दें, तो वो क्या करेगा, सेक्स के अलावा बाकी सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेगा। दैट्स हाउ यू कैन डू दिस स्कोर्स। अब आप चाहते हैं कि दो तीन वेरिएबल्स नहीं सिलेक्ट हो तो उनके साथ माइनस माइनस लगा दीजिए, और भी वेज हैं, हम इस वक्त सारी चीजें एक ही गो में करेंगे तो उससे मेस क्रिएट होगा। तो सिलेक्ट ने क्या करना है कि वो वेरिएबल सिलेक्ट कर लेने हैं जो आप चाह रहे हैं, या वो वेरिएबल्स डिलीट कर देने हैं जो आप नहीं चाह रहे। एक आप चाह रहे हैं कि सेक्स जो है ये पहले आ जाए, बाकी वेरिएबल्स बाद में लिस्ट हों, तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि बाज़ूकात 20 25 30 वेरिएबल्स होते हैं, आप चाहते हैं कि वो रहें भी और एट द सेम टाइम आपका वो वेरिएबल पहले आ जाए, तो अब कहां से आप उसको क्लिक करके और ड्रैग करके और ये सारा काम करने की बजाय आप क्या करते हैं, स्कोर्स पहले लिख लिया सिलेक्ट सेक्स, बाद में लिख दिया एवरीथिंग, तो आपके पास अच्छा। अब मजे की बात यह है कि देखिए जो मेरा ओरिजिनल डेटा था ना, मैं ये सारे ऑपरेशंस कर रहा हूं, मेरा ओरिजिनल डेटा एज इट इज जो है वो मेंटेन है, जो कि मनीर मारिया जहां से जैसे हमने एंटर किया था, तो दैट्स व्हाई जो है ना इसमें कोई चीज डिलीट ड्रॉप कुछ भी करेंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट योर ओरिजिनल डेटा। तो इस आप दो मिनट के लिए पास कर सकते हैं, इसके बाद दो चीजें हमारी और रहती हैं अभी, फिल्टर एंड समराइज। तो आप जरा अपने तौर पे काइंडली सोचिए कि हमने अभी तक जो बात की है, अच्छा म्यूटेट भी रहता है, तो दो हमने अभी तक कवर किए हैं, एक अरेंज और दूसरा हमने सिलेक्ट। अरेंज क्या करता है, डेटा की सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, सिलेक्ट क्या करता है, कॉलम्स की सिलेक्शन के लिए यूज होता है। फिल्टर, तो फिल्टर ने क्या करना है, फिल्टर ने आप देखें तो कॉलम सिलेक्ट करने थे तो सिलेक्ट किया है, फिल्टर ने क्या करना है, क्या मैं चाहता हूं कि इसमें से सिर्फ रूरल रह जाए, इस डेटा में सिर्फ रूरल रह जाए, तो हम क्या करेंगे, हम फिल्टर की कमांड ने उन रोज को सिलेक्ट करना है जो रोज वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। अब मैं एक सिंपल, पहले सिंपल फिल्टर के लिए मैं एक सिंपल यूज कर रहा हूं, फिर जो चूंकि यहां पे थोड़ी सी सॉरी, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वही स्कोर्स फिल्टर, नेक्स्ट लाइन में भी पाइप ऑपरेटर के बाद जा सकते हैं यहां पे, तो हमने कहा जी स्कूल कौन सा हो, स्कूल डबल इक्वल रूरल, देखना एरर आएगा, क्यों, क्योंकि रूरल जो है करेक्टर वेरिएबल था, करेक्टर वेरिएबल को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में देना है और कंडीशन डबल इक्वल लगानी है, चाहे स्टेटा हो चाहे कोई भी हो, तो जैसे इफ एंड ओनली। तो आप देखें उसने सिर्फ रूरल वाले स्कूल सिलेक्ट कर लिए और ये सिर्फ 6B6 रह गया। अगर आप चाहते हैं कि वो रूरल भी हो और जो है ना जो सेक्स है वो मेल हो, तो यहां पे आपने क्या किया, सेक्स मेल हो एंड स्कूल डबल इक्वल रूरल, और ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास लगाने जरूरी हैं, तो क्या करेगा, उसने सिर्फ दो वेरिएबल्स ले लिए जिसमें बेसिकली स्कूल जो है रूरल एरिया में था और वहां पे दो मेल स्टूडेंट्स थे, तो जेंडर ये वाला हो गया। तो फिल्टर ने क्या करना है, उन रोज को सिलेक्ट करना है जो रोज वो कंडीशंस मीट करेंगी। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ वो वाले स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए जिनका स्कोर 4 या 4 से ज्यादा है, अच्छा स्कोर है। अब अच्छे की डेफिनेशन आपने खुद डिफाइन करनी है, तो हमने क्या किया, स्कोर्स फिल्टर मैथ स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब देखें 4 पे हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे देखिए तो इस पे लिखा हुआ है करेक्टर, 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 दिस इज डबल, तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल है, तो न्यूमेरिक वेरिएबल पे सिर्फ वो वैल्यू लिखेंगे। तो मैथ स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो उसने जिनका मैथ स्कोर 4 या 4 से ज्यादा था उनको रिटेन कर लिया, बाकियों को डिलीट कर दिया। अब वो कह रहा है कि जी जिनका जो मैथ स्कोर 4 या 4 से ज्यादा है और रीडिंग स्कोर 3 या ज्यादा है, तो अब दो कंडीशंस लग गई हैं, एक है
कि मैथ स्कोर 4 से ज्यादा हो और एट द सेम टाइम रीडिंग स्कोर भी 3 से ज्यादा हो, तो वो वही वाली बात आ गई जैसे यहां पे हमने किया है कि यहां पे एंड स्कूल, तो हम ये लिखेंगे मैथ स्कोर ग्रेटर देन 4 एंड रीडिंग स्कोर ग्रेटर देन 3। तो ये देखिए स्कोर्स, अच्छा जी मैं इसको चाहूं तो एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, लेकिन फिर थोड़ा सा विजिबिलिटी इधर वीक होती है। तो स्कोर्स फिल्टर मैथ स्कोर ग्रेटर देन 4 और रीडिंग स्कोर ग्रेटर देन 3। तो आप देखिए तो यहाँ पे ये सिर्फ वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथ्स और रीडिंग स्कोर जो है मैथ स्कोर ग्रेटर देन 4 हो और रीडिंग स्कोर भी ग्रेटर देन 3 हो। ओके, अब आपके पास जो है वो हमारे पास एक और कंडीशन है। तो चार ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हम चाह रहे हैं कि जी अच्छा वो जो है सिलेक्ट करें जो सिर्फ रूरल हो। तो आप देखिएगा ये कमांड आपको एरर देगी, ये कमांड आपको एरर देगी। क्यों? क्योंकि रूरल पे आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। ये कमांड भी आपको एरर देगी क्योंकि सिंगल इक्वल लगाया है। तो ये देखिए नीचे यहाँ पे एरर आ रहे हैं और वो आपको गाइड कर रहा होता है, वो कहता है मुझे लगता है आप डबल इक्वल लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए वो आपको गाइड कर रहा है, डू यू मीन डबल इक्वल। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दिया और डबल इक्वल भी लगा दिया, तो हमारे रिजल्ट ठीक आ गए। तो स्कोर्स में क्या है और ये सारे कमेंट्स के साथ मैं आपको शो करूंगा, मैं ये लिंक दूंगा, तो आप देखिएगा आप यहां से ये सारी कमांड्स आप सारे का सारा जो है वो कॉपी कर लीजिएगा इन कोड्स को यहाँ से कॉपी करके। तो ये देखिए मैंने सारा आप लोगों के लिए ये बनाया हुआ है, तो आप इसको ये सारी विद दिस पूरे का पूरा बना हुआ है, तो यू विल गेट दिस होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वंस आई आई वाइंड इट अप, तो फिल्टर ने क्या करना, उन रोस्ट को सिलेक्ट करना है। अब आप चाहते हैं दो तीन या चार स्कोर हो, तो अब बजाय इसके कि दो रीडिंग स्कोर डबल इक्वल टू, रीडिंग स्कोर डबल इक्वल थ्री, रीडिंग स्कोर डबल इक्वल फोर, तो आपने इसको सी सी इसको एक्सेल में हर जगह पे कहते हैं कंकेटिनेट। तो हमने कह दिया कि वो रीडिंग स्कोर सिलेक्ट कर लो जिनका रीडिंग स्कोर दो तीन या चार है। तो देखें रीडिंग स्कोर में सिर्फ वो लोग, तीन किसी का भी नहीं है, इसलिए दो और चार वाले सिलेक्ट हो गए। वो लोग सिलेक्ट कर लो जिनका, अब आप देखिए पहले हम लिख रहे थे डबल इक्वल, ये है इफ एंड ओनली इफ, ये जो होता है ये नॉट इक्वल के लिए होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको लिख रहे हैं जी कि अच्छा स्कोर्स फिल्टर रीडिंग स्कोर नॉट इक्वल 1, रीडिंग स्कोर नॉट इक्वल 5, ना तो वो 5 हो ना वो 5, तो ये वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा इसी तरह से अब आप चाहते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन, अगर से थोड़ा सा जरा यहाँ पे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ वो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएं। यहाँ पे देखिए और ये बड़ी दफा बड़े एक इम्पॉर्टेंट कमांड है, हमेशा डेटा में आपको डील करते हुए मसला आएगा स्कोर्स। तो आप देखें बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पे, एक मारिया है और एक मनीर है जिनका नाम एम से शुरू होता है, जिनका नाम आर से शुरू होता है, वो दो हैं। तो इस तरह से आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जिनका नाम एम से शुरू होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग की एक कमांड है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं एट द मोमेंट। तो ये देखिए आपको सिर्फ वो स्टूडेंट्स मिल गए जिनका नाम जो है वो एम से शुरू होता है। अब इसी तरह से आप ग्रुप्स में फिल्टर करना चाहते हैं, तो क्या है, आप चाहते हैं कि स्कोर्स ग्रुप बाय टीचर, यानी कि वो टीचर के लिहाज से हो जाए कि किन किन टीचर्स का मैथ्स का स्कोर 5 आया है, किन किन टीचर्स का मैथ्स का स्कोर 5 आया है। तो आप देखिए तो ये वो टीचर्स हैं कि जिनका मैथ्स स्कोर जो है क्या जी मैक्सिम, हाँ सॉरी, जिनका मैक्सिमम मैथ्स स्कोर जो है वो 5 आया है। तो दिस इज ग्रुप बाय टीचर। ये थोड़ा सा एक मुझे इसको देखना पड़ रहा है, स्कोर्स ग्रुप बाय टीचर, तो टीचर्स के लिहाज से हमने इसको ग्रुप कर दिया, और जिनका मैथ स्कोर जो है वो मैक्सिमम मैथ स्कोर सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो फिर तो ये सिर्फ दो रो सिलेक्ट होनी चाहिए थी, एक फ्रिया और एक समी। अच्छा,
क्योंकि यहाँ पे समी और फ्रिया ही सिलेक्ट हुए, लेकिन चूंकि वो नाम तो सबका वो हर दफा सिलेक्ट हो गया, तो समी और फ्रिया ऐसे टीचर्स हैं जिनका मैक्सिमम मैथ स्कोर जो है 5 के 5 5 रहा है, ठीक है, जिनके स्टूडेंट्स का। इसी तरह से आप जेंडर के लिहाज से देखना चाहते हैं कि जिनका मैक्सिमम मैथ स्कोर जो है 4 रहा हो, तो जेंडर के लिहाज से तो यहाँ पे देखें कोई भी मेल टीचर नहीं है जिसके स्टूडेंट्स का स्कोर 4 या 5 हुआ हो मैथ्स में, मैक्सिमम मीन स्कोर 4 या 5, मीन स्कोर 4 रहा हो। अच्छा, अब ये मीन स्कोर कैसे निकला है? फर्ज करें जमील ने 3 स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो उनकी एवरेज है, फ्रिया ने 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो उनकी एवरेज है। इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ वो वाले टीचर्स रखो जिन्होंने जिनके पास 3 या 3 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ये देखिए जमील है और समी है, जो बाकी 2 टीचर्स हैं उनके पास 1 1 या 2 स्टूडेंट हैं, तो ये उसने वो वाले सिलेक्ट कर लिए, और इनकी जो एवरेज की थी वो पिछले वाले क्वेश्चन में थी। अब हम 3 चीजें इस वक्त पढ़ चुके हैं, पहली अरेंज, दूसरी सिलेक्ट, तीसरी फिल्टर। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन यही वो चीजें हैं जिसको आपने सीखना है, एंड यू विल गेट इट। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करके, ठीक है, तो इसको मैं जो है वो नेक्स्ट के साथ कंबाइन कर देता हूँ। जी, तो अभी तक हमने 3 कमांड्स पढ़ी थी, अरेंज, सिलेक्ट, फिल्टर, तो अब हम म्यूटेट पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अनदर वेरी यूजफुल थिंग। अब देखिए आपके पास है स्कोर्स और आप चाहते हैं कि ये जो मैथ स्कोर है ये 50 में से हो और ये रीडिंग स्कोर भी 50 में से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके लिए नया वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए जो कमांड होती है वो म्यूटेट होती है। तो हमने क्या किया, इनको 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अभी तक ओरिजिनल डेटा इंटैक्ट है, अगर मैं यहाँ पे स्कोर्स टाइप करूं तो वो वही वाला रहेगा जो आप पहले देख चुके हैं। तो ये अगर जब तक आप इसको नया डेटा यहाँ पे असाइनमेंट नहीं करते तब तक ओरिजिनल डेटा, या ये न्यू नेम के साथ असाइनमेंट कर देंगे तो ओरिजिनल डेटा आपके पास इंटैक्ट रहेगा। इसी तरह से आप चाहते हैं कि रीडिंग एवरेज स्कोर आ जाए, तो हमने क्या किया, स्कोर पाइप ऑपरेटर का मतलब है देन, यानी कि उससे अगले वाला स्टेप क्या कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली वे से चलता है। हम अगला काम ये कर रहे हैं म्यूटेट, और इन दोनों को ये इसको नया नाम दे दिया वेरिएबल का, और ये हमने इसकी एवरेज निकाल ली, तो आप देखिएगा कि एक नया वेरिएबल कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है, आ जाएगा, और वो होता है मैथ रीडिंग एवरेज। अभी तक कोई इसमें ऐड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने तो इसको कोई असाइन ही नहीं किया। अब अगर आप असाइन करना चाहेंगे तो फिर अगले वाली बात होगी। इसी तरह से आप चाहते हैं कि जी एक ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करें जिसमें मैथ स्कोर जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 हो, तो वो इस फॉर्म में आ सकता है। इसी तरह से आप एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें से मीन ऑफ रीडिंग स्कोर हर एक में से माइनस हो, तो वो वही बात है सेंटर्ड जिसको कहते हैं, तो ये बेसिक स्टेटिस्टिक्स आ जाएगी, उसको एट द मोमेंट हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं कि एक नया कॉलम क्रिएट हो और वो क्या हो, साइंस स्कोर, और साइंस स्कोर्स ये वाले हैं। लेकिन याद रखिए अभी तक भी साइंस स्कोर इसके साथ ऐड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने उसको अभी तक नया चीज असाइन नहीं की, उसको हमने असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं दिया। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप इसको स्कोर 1 कह देते SCR, तो इसको अगर आप जो है ये वाला ऑपरेटर असाइन कर देते, तो अब अगर मैं SCR करूं यहाँ पे SCR, तो अब आपके पास जो है यहाँ पे एक नया वेरिएबल, यहाँ देखिए 7 वेरिएबल्स आ गए हैं, वो नजर आने में, चूंकि मैंने फॉन्ट बहुत बड़ा किया हुआ है तो वो नजर आने में थोड़ा सा मसला है, तो वो 6 वेरिएबल्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अदरवाइज अगर मैं इसको आपके सामने एक और छोटी सी कमांड लिख दूं ग्लिम्प्स, तो अब आपके पास ये साइंस स्कोर जो है वो ये देखिए अब आपके पास साइंस स्कोर ऐड हो गया। तो जब तक आप ऑपरेटर असाइन नहीं करेंगे आपको कोई आपका वो रिजल्ट तो मिलते रहेंगे, प्रिंट भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये देखिए स्कोर्स, और ये हमने इसको अब ग्रुप बाय सेक्स कर लिया कि हमने उसको
मेल और फीमेल के अलग अलग जो है वो सेंटर्ड स्कोर्स मिल जाए, तो वो आपके पास इस फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये आपके पास इसमें भी आप देखिए, तो एक वेरिएबल है जो अभी यहां पे आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा। सिमिलरली आप कुछ और आप जो है वो ये म्यूटेट में क्या होता है, नया वेरिएबल कैलकुलेट होता है। तो मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ग्रुप बाई म्यूटेट। अब एक फाइनल चीज रह गई है, वो क्या है, स्कोर्स समराइज। लास्ट लास्ट जो चीज रह गई है वो है समराइज। अब हम चाहते हैं कि जी स्कोर्स हैं और हम अपने डेटा की समरी ले लें। तो रीडिंग स्कोर मीन, तो हमने कहा मीन रीडिंग स्कोर। तो आप देखें तो एक समरी स्टेट्स आ गई। अगर आप यहां पे कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देंगे एस डी ऑफ रीडिंग स्कोर, तो वो क्या होगा, ये दो समरी स्टेट्स। अगर आप यहां पे कॉमा मीन कर देंगे, मैक्स कर देंगे, क्वार्टाइल, तो वो सारी चीजें आप समराइज से लेंगे। तो इस वक्त मेरा पर्पस जो है वो क्या है, आपको ये बताना कि जी जो ये देखिए हमने क्या कहा मीडियन, तो जस्ट मीडियन की कमांड। तो इसलिए आर कोडिंग नहीं है, आर स्टेटिस्टिक्स की लैंग्वेज है। मीडियन मैथ स्कोर और मीडियन रीडिंग स्कोर, तो ये देखिए मीडियन मैथ स्कोर और मीडियन रीडिंग स्कोर 4-4 है। आपको मैक्सिमम मैथ स्कोर और मिनिमम रीडिंग स्कोर चाहिए, तो समराइज के अंदर आप ये लिख दें। आपको स्कूल के लिहाज से मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, तो रूरल और अर्बन का मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, तो रूरल में मिनिमम जो है 2 रहा है, अर्बन में मिनिमम 3 रहा है। अगर आपको टीचर के लिहाज से मैक्सिमम चाहिए तो सबसे ज्यादा फ्रिया, जमील और समी। अगर आपको जो है वो जेंडर के लिहाज से मैक्सिमम चाहिए तो फीमेल जो है वो उनका मैक्सिमम है और मेल जो है उनका मिनिमम है, सॉरी मिनिमम स्कोर ऑफ फीमेल जो है वो 4 है और एज यूजुअल हम सारे आपको पता ही है मेल का 1 है। मीन मैथ स्कोर, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट। तो ये मीन मैथ स्कोर क्या है, नेचुरली एक एक स्टूडेंट है तो हर एक का मीन भी वही आएगा, तो इसलिए नेम के लिहाज से जब आप ग्रुप करेंगे तो वो वही रहेगा। तो इन दिस वे यू कैन प्ले विद दीज थिंग्स। यहाँ पे देखिए तो हमने रीडिंग स्कोर भी ले लिया, मीडियन रीडिंग स्कोर भी ले लिया, और मेल का भी और फीमेल का भी ग्रुप बाई सेक्स करके। आप उसमें कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर देते हैं। हर वैल्यू में आपने 5 ऐड कर दिया तो वो म्यूटेट से होगा। अब आप यहां देखिए एक बड़ी मजेदार बात है, यहां पे हमने क्या किया है, यहां हमने एक, ये तो ऊपर हम सारी चीजें बेसिक सीख रहे हैं, यहां हमने एक ही गो में सारा कुछ कर दिया। हमने कहा स्कोर्स, उसके बाद हमने कहा सिलेक्ट कौन कौन से, एक नेम सिलेक्ट कर लो, एक मैथ स्कोर कर लो, फिर आप उसके साथ एक कनेक्टर ज्वाइन कर लें और उससे अगले वाली बात हम कहते हैं म्यूटेट। तो ये बात भी हमने पढ़ी थी, म्यूटेट में क्या है कि मैथ स्कोर में 5 ऐड कर दो और फिर हमने एक और कनेक्टर लगा के हमने कहा इसको अरेंज कर दो। तो ये वही चीजें जो ऊपर हमने एक एक अलग अलग कमांड पढ़ी थी वो पाइप ऑपरेटर के साथ, और इस पे बड़ी जबरदस्त किस्म की आसम चीजें मिलती हैं। हम जब अलिफ लान और कुछ और बड़े वाला मैसी डेटा करेंगे तो वहां पे ये बातें देखेंगे। स्कोर्स, तो ये देखिए सिलेक्ट है, यहाँ पे हमने टीचर को सिलेक्ट नहीं करना, बाकी सबको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए टीचर के अलावा बाकी 5 वेरिएबल्स आ गए। तो यहाँ एक ही गो में हम ज्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ हम कह रहे हैं स्कोर्स, फिल्टर, फिल्टर हमने कहा था वो बंदा वो रोल, तो हम कह रहे हैं टीचर समी ना हो और बाकी को आप ग्रुप बाई भी कर दें कि उनको सेक्स के लिहाज से ग्रुप कर दें मेल फीमेल, और उनका मीन मैथ स्कोर भी ले लें। तो समी के अलावा बाकी हो गए, समी के अलावा बाकी मैथ्स वो हमने कर लिया। यहाँ पे देखें तो आपने फिर दोबारा से किया, आपने कहा सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेलेक्ट करें, स्कूल सिर्फ और सिर्फ रूरल करें, और साथ में ये समरी स्टेट्स दे दें। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मेल फीमेल और रूरल वाले लिए। तो आप इस तरह से ये कमांड सारी की सारी आपके पास अवेलेबल हैं। मैं आपके साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो के नीचे, और जो जिन लोगों को ये पता ना हो कि जी आर स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो यहाँ पे, ये मेरी पहली वीडियो है,
आर स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए, और ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ग्रिंक वो क्या चीज़ है, मैसेज है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वार्निंग क्या है, येलो है, एरर जो होगा वो आपको आगे मूव नहीं करने देगा। तो ये फाइव वर्ब्स हैं जो जितना सारा काम मैंने वहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे कमेंट्री के साथ डिस्कस्ड है। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर। इससे अगले वाले पे हम जीजी प्लॉट, यानी कि हम इसी को ग्राफिक्स में कैसे लेके जा सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे, ठीक है, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे ग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं, तो ये उसके लिए हम कुछ बेसिक स्टेप्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैसी डेटा सेट्स पे भी यही वाले हम पांच वर्ब्स करेंगे, एंड आई विल शो यू कि कैसे ये आपका 80% काम जो है वो कर देते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।